वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बीकानेर में और यहाँ पे हम आए जूनिया महाराज की दुकान, जो काफी ज्यादा फेमस है अपनी कचोरी और उसके ऊपर आलू की सब्जी सर्व करते हैं। तो देखते किस तरीके से वो बनती है और आपको पूरी वीडियो में बने रहे। ठीक है सर, क्या डाला? देखिए सबसे पहले जो दाल की कचोरी के लिए उसको मसाला भी, इस मसाले में क्या क्या रहता है? ये दाल का मसाला है, इसमें बेसन, मूंगर दाल, मिर्ची, नमक और साथ में धनिया, हींग, ये सब। आज तो आज तो मैं आपको
ये मैदा रहता है इसमें और भी कुछ रहता है? मैदा में मूंग डालते हैं, तेल और नमक डालते हैं। एक किलो मैदे में 250 ग्राम तेल का मूंग डालता है। कचौरी के अंदर दाल की फिलिंग भर दी गई है, इसको फ्राई किया जाएगा।
इंसाइडर है वो, कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है कचौरी। ये देखिए आलू की सब्जी इसके ऊपर डली हुई है। अंकल अगर किसी को ये ट्राई करनी तो कहाँ पे आना पड़ेगा? ये अपने बीकानेर के बड़ा बाजार क्षेत्र में चाय पट्टी नाम से फेमस है, जिसके एक तरफ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, दूसरी तरफ रामपुरिया की हवेली है। ये एक पर्यटन स्थल है दोनों, उनके बीच में स्थित है चाय पट्टी। चाय पट्टी बीकानेर का हार्ट। और अपना टाइमिंग क्या है यहाँ का शॉप? टाइमिंग सुबह 8 से 4 बजे तक। तो गाइस अगर आपको किसी और वीडियोस देखनी हो तो हमारे पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।